आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा आसान सा लहंगा। चलें, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मेड बाय मी। आपको मैं आज जो है, आपने ये कपड़ा देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं इसका एक लहंगा आपको बना के दिखा चुकी हूँ और उसमें से ये मेरे पास पीसेस बचे हुए थे कलियाँ। तो इसमें मैं आपको ये वो कलियाँ चौड़ी वाली थी, ये पतली कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ज़ाहिर है मेरे पास साइड से एक्सिस निकला हुआ है। तो ये मैं तकरीबन 2 से 2.5 साल तक के बच्चों का, ये हम या उससे बड़े बच्चों को भी आ सकता है, मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखें, मैं इसमें से 20 इंच की कली काट के यहाँ से निकाल लूँगी अपनी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ से ये मैं बराबर करूँगी जो मेरे एक्स धागे निकल रहे हैं। ठीक है, ये हमने ये का तकरीबन ये हमारा ये इसी तरह से हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसकी जो कटिंग है वो करके आपको दिखा रही हूँ मैं, जो नीचे से हमारे काटना है ये। उसके बाद हम ये तकरीबन मेरे पास जो पीस हैं, आपको पिछली बार याद नहीं हो लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ, तकरीबन मेरे पास 10 कलियाँ मौजूद हैं। मैं 5 कली आगे और 5 कली पीछे लगाऊंगी। ये इस तरीके से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। देखें, ये ऐसे ये हमारी पूरी कलियाँ इस तरीके से जाएंगी लाइन से और ये 10 कली का हमारा छोटा सा बच्ची का लहंगा बन जाएगा बहुत आराम से। और नीचे हम उसी तरह हम इसके ऊपर जो है शॉकिंग पिंक कलर की पट्टी लगा के उसके ऊपर हम बेल लगाएंगे और उसके बाद उसकी हम इंशाल्लाह मैं उसकी शर्ट भी बना के दिखाऊंगी। जी व्यूज, देखें ये मैं कलियाँ हमारी हैं, ये मैंने आपको काटते वक्त दिखा दिया था कि इसको हमें ज्वाइन करना है। ये हम एक सीधा रखेंगे, ये देखें एक ही हम सीधा रखेंगे और एक ये आड़ी रखेंगे। इसको हम सबको सी लेंगे। सीने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कितना चौड़ा लहंगा आया है सामने। उसके बाद हम इसके नीचे रेड पट्टी लगा के अपना गोटा लगाएंगे। ये देखें, ये जो है हमने सारी कलियाँ जोड़ ली अपनी, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये पूरी हमारी जो 6 कलियाँ थी पूरी की पूरी जुड़ गई हैं ये दोनों पीस में। और ये मैं थोड़ा ऊपर नीचे था वो मैंने सेट करा है अपना। और ये उसके बाद आप ये देख रहे होंगे मेरे पास पीस बचा हुआ है। इस पीस को ये मैंने अपनी पेम्पलिन काटा था उसमें से ये पीस निकला था हमारा, वो मैं उसी को यूज़ करते हुए यहाँ लगा रही हूँ। ये देखें ये है। और उसके बाद ये जो है इसको ज्वाइन करना होगा हमें और इस तरह जोड़ के हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद इसमें गोटा लगाएंगे। ये जो है ये पट्टी में हमें ज्वाइन लगाना था, ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से अपना सेट करूँगी और उसके बाद फ्रंट पे मैं ज़्यादा 1-2 बेल ज़्यादा लगाऊंगी लेकिन बैक के ऊपर बेल में कम लगाऊंगी। आपको मैं दिखा देती हूँ मैं इसको किस तरह सेटअप करूंगी। एक पीस ये देखें, यहाँ से हमने उल्टी तरफ से इसको रखा और ये है हमारा बैक साइड। ठीक है, इसको हम यहाँ से सीना शुरू करेंगे। ये देखें ये रहा, यहाँ से ये देखें यहाँ से हम सियेंगे पूरा इसको और सीने के बाद इसको उलट कर इसमें हम बेल लगाएंगे। दोनों साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से हम सेट करेंगे ये। उसके बाद इसको उलट कर इस पर हम यहाँ सीधा करेंगे इसको। उसके बाद इसे इस तरह सेट करेंगे पूरा अपना। ठीक है, करने के बाद जो है हम इसमें बेल लगाना शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, ये हमारे पास बेल है सेट होंगी। ठीक है, ये हम सेट करेंगे ये। ये देखें, इसको हम लगाएंगे ये इस तरीके से। ये देखें पूरा हमारा ये है
और उसके बाद बीच में भी हम इसी को लगाएंगे, और उसके बाद ऊपर पे हम जो है दूसरी बेल अपनी डिज़ाइन वाली बेल लगाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको लगाना शुरू करती हूँ। इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ पीस, हमारी गुलाई में ये घूमता जाएगा खुद ही खुद। ये देखिए, ये इस तरह हमारी एक पट्टी लगी है। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर एक पट्टी यहाँ से हम दोबारा लगाएंगे ये बीच में डिज़ाइन के तौर पर ये, और उसके बाद जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो उसके ऊपर हम दूसरी बेल लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो बेल मैं किस तरह लगाऊंगी। तो हमारी बेल इस तरह आएगी, यहाँ से लगाकर हमें रेड का हिस्सा ऊपर रखेंगे ताकि ये इस तरीके से हमारी बैलेंस हो जाए। ठीक है, चले अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये फ्रंट का है हमारा जिसमें हमने थोड़ी सी ज़्यादा बेल लगाई, ये बैक साइड है हमारा। अब हम इसको साइडें जोड़ेंगे इसकी सबसे पहले, और यहाँ जहाँ एक्सेस कपड़ा है इसे मैं काट के निकाल देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इसे क्योंकि इसमें धागा निकल रहा है तो इसमें ओवरलॉक भी करना पड़ेगा हमें, तो ये पहले मैं ये साइडें सी लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ की। ये देख लें, ये वाला साइड भी हम सी लेंगे इसी तरीके से। ये दोनों साइड हम सीएंगे, ये भी और ये भी। उसके बाद जो है फिर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये हमने साइडें सी ली हैं दोनों तरफ से, ये बिल्कुल हमारे बराबर आया है। ये रेड जो हमारा ये जो आखिर की रिबन थी इस तरह साथ आई। अब ये जो है ये हमने हमारी इलास्टिक की ये पट्टी है बिल्कुल जो हमारा ये आया हुआ है इसके बिल्कुल बराबर लिया है हमने। ठीक है, और इसका साइजिंग जो है ये हमने तकरीबन चौड़ी जो ली हुई है वो ली है 4 इंच, और क्योंकि ये सिल्क कपड़ा है सिलसिला के जो है, और ये हमारी इलास्टिक है। ये इलास्टिक हम जितना बड़ा ये हमारा पीस है ये आपको कई दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, पूरी गोलाई का पीस सिर्फ एक दफ़ा में ही आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये इसको जो एक्सेस इलास्टिक है वो मैं काट के निकाल दूँगी। ठीक है, अब हम इसको ये हमारा बिल्कुल लास्ट का काम है कि हमें अब इलास्टिक लगानी है, और उसके बाद जो है ये हमारा लहंगा जो है छोटे बच्चे का रेडी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे पूरे अपनी ये पट्टी को, उसके बाद हम इस पे इलास्टिक लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह हमारा
ये आ गया है, रेडी कर लिया मैंने इसको पूरा। और अब हम इसके अंदर अपनी इलास्टिक लगाएंगे। पहले मैं इलास्टिक ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है, पहले हम इस तरफ से लगाएंगे। ये हमारी सिलाई इस तरफ आनी चाहिए। ये हमारा इस तरह आएगा, इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आएगा। पहले मैं इधर से सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये हमारा मजबूत हो जाए इलास्टिक यहाँ बीच में रखकर। अब हम इसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको सीते जाएंगे और अंदर करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रखा है और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इस तरीके से इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूरा सी कर अंदर से फिर इलास्टिक सेफ्टी पिन की मदद से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी ताकि मेरी सिलाई इलास्टिक सेट हो जाए। ये लीजिए, ये हमारा लहंगा तैयार हो गया है। हमारी जो हमने इससे पहले पैम्पलिन बनाया था उसके साथ का ये लहंगा है। आपको हमारा लहंगा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज वेल। थैंक यू सो मच।